होगा, थर्ड रेट टू डाई रेट, इसमें खतरा है, रोडर को उठाना होगा। ये फाउंड और फाइव होल्ड अकेले ने ही जकड़ लिया। अच्छा अच्छा डिफेंड, चेस्ट नंबर 12 के डिफेंडर ने दिखाया, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पकड़ी और अकेले ने ही जकड़ लिया। रोशन फिर अपनी रेड पे अच्छी तेज तरार रेड करते हैं। इस रेड में देखना है कि वो क्या दिखाते हैं, क्योंकि बोन शानदार टो टच का प्रयास किया परंतु थोड़ा सा दूर रह गया। फिर चेस्ट नंबर 15 के दनाव के रेडर रेड में आते हुए पोर्ट लाइन पार की रेड को वैलिड किया और फिर कवर को पीछे धकेल रहे हैं, कॉर्नर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है कॉर्नर पे जठाराम कैच कर पाते हैं या सामने कवर, परंतु एक इम्पिटी रेड करके सेफ रेड करके जाते हुए केसाराम जी फिर रेड पे जाते हुए इनके सामने मौका है, क्योंकि इनका मैन डिफेंडर और मैन रेडर बनाल का आउट है। देखना है इस सिचुएशन का वो कितना फायदा उठा पाते हैं। कॉर्नर पे एक साइड किक का प्रयास किया, सामने कॉर्नर थोड़ा दूर खेल रहा है, फिर कॉर्नर पे दबाने का प्रयास कर रहे हैं और शायद कॉर्नर आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, और एक सेफ रेड की इम्पिटी रेड कर जाते हुए चेस्ट नंबर 15 के रेडर फिर रेड में आते हुए और बॉक लाइन पार किया, अपनी रेड को वैलिड किया, शायद बोनस को तो कवर करके रखा है। बोनस देने का सिर्फ प्रेम सिंह क्लब का कोई इरादा नहीं है और इस रेड में देखना है कि वो पहली रेड भी इनकी इम्पिटी थी, फिर इस रेड में वो क्या कर पाएंगे। बोनस के लिए स्पष्ट नियम होता है कि एक पैर आपका हवा में हो, दूसरा उसी समय बोनस लाइन के अंदर हो, तो ही बोनस होता है। अच्छा शानदार किक लगा हुई, कितने काउंट करते हैं और काउंट करते हुए अंपायर साहब का फैसला 15 अंकों का। एक और शानदार सुपर रेड केसाराम जी के द्वारा देखने को मिली और ये सिर्फ सुपर रेड सबका मन मोह लेती है। इधर से दनाव की ये दो एंड डाई रेड है, इस दो डाई रेड में देखता हूँ क्या करते हैं, और एक अच्छा शानदार रनिंग टॉ टच किया, एक अंक फिर अर्जित किया। केसाराम जी फिर रेड पे जाते हुए, सामने सुपर टेकल का खतरा है, क्या इस खतरे को उठाएंगे या पिछली बार की तरह फिर सुपर रेड करके दनाव की टीम को ऑल आउट की कगार पे पहुंचाएंगे, ये तो आने वाले पल ही बताएंगे। अच्छी बैक किक लगाते हैं, अच्छी साइड किक लगाते हैं और स्केप रूट भी एक इम्पिटी रेड करके आए। दनाव के रेडर फिर रेड में आते हुए पिछले रेड में एक अच्छा पॉइंट लेके गए थे, पता ही नहीं चला कब टोटस करके, रनिंग टोटस था शानदार। आपका नियम है आपका एक पैर बोनस लाइन के पूरा अंदर और दूसरा उसी समय हवा में होता है तो ही मिल पाता है, नहीं तो बोनस नहीं मिल पाता। अगर आधा पैर लाइन को काट पार करता है तो बोनस है नहीं। फिर कॉर्नर ने शानदार डबल थाई होल्ड किया और वहीं जकड़ लिया, सुपर टेकल हो गई। सुपर टेकल में दो अंक दनाव ने अर्जित किए, अच्छा डबल थाई होल्ड किया था, वहीं के वहीं जकड़ लिए गए कॉर्नर के द्वारा। अच्छी उड़ान भरी है, देख रहे हैं और जकड़ लिए गए, पैर हवा में रह गया, टिक नहीं पाया, शानदार उड़ान तो भरी परंतु वहीं लैंड करवा दी और एक अंक फिर से प्रेम सिंह क्लब को मिला। फिर वही सुपर टेकल का खतरा, इस बार ये खतरा उठाया रोशन ने, हाथ और पैर से लंबा फैला करके स्ट्रेच करते हैं, देखना है टो टच करेंगे या स्ट्रेच करते हैं। सामने कॉर्नर डबल चैन में एक तरफ कॉर्नर है, परंतु रोशन एक इम्पिटी राइड करके आते हुए इसी समय अगर स्कोर टेबल पे नजर डालते हैं तो स्कोर टेबल पे नजर डालते हैं तीन अंकों का फासला है। ये तीन अंकों का फासला कोई विशेष मायने नहीं रखता, एक सुपर रेड इस फासले को कवर कर सकती है या एक लोन है इस फासले को बढ़ा सकता है। देखना है आगे आने वाले पलों में ये कितना होगा। तेरा राम रेड पे जाते हुए एक डिफेंडर के द्वारा रेड पे देखते हैं, शानदार दर्शकों के होर्डिंग की जा रही है, अच्छा जोश बढ़ा रहे हैं, देखना है क्या करेंगे। रेड में अर्जित किए
जो 603 का था वो बढ़ करके हो गया है 8 का। इसी बीच पहले हाफ का एक टाइम आउट सैयद प्रेम सिंह कलर के द्वारा लिया गया। इसमें देखने ये 8 अंकों का फासला कोई ज्यादा विशेष मायने नहीं रखता। कॉर्नर पे एक अच्छा किक का प्रयास रेडर के द्वारा किया गया, शानदार रेड करते हैं दनाव की ये रेडर, अच्छी रेड, बहुत अच्छी रेड करते हैं अपनी टीम के लिए, उन्होंने रेड में बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं। फिर एक कॉर्नर पे किक का प्रयास किया और आखिरकार एक एम्प्टी रेड साबित होती है। केसराम जी फिर रेड पे जाते हुए, सामने फुल हाउस है यानी आपके लिए बोनस भी होने, एक बोनस का प्रयास किया और बोनस के जाल में दनाव की डिफेंस में एक बोनस का जाल फैलाया, उस जाल में जकड़ लिए गए। दो इंडायरेक्ट और थर्ड रेड का इशारा अंपायर साहब का और इस रेड में खतरा रेडर को उठाना होगा। अगर देखना है इस रेड में अंक तो मिलेगा, किस टीम को मिलेगा ये हमें देखना है। हर हाल में इस रेड केसराम जी फिर रेड में, सामने कॉर्नर, शानदार थाई होल्ड करते हैं, बहुत बार अपने थाइयों में केसराम जी को जकड़ा है परंतु फिर वही बोनस का जाल फैला रखा है, थोड़ी सी बोनस लाइन को खुला छोड़ रखा है कि आइए हमारे बोनस लाइन के चंगुल में इसी